घर पे और पढ़ाई लेके आए बच्चों को। ये थोड़ा हैबिट नहीं बन पा रही भैया बोलने की, है ना। और भैया जी क्या कहना चाहते हो भैया? बताया था पीछे आपको हम तो फिर नाश्ता करने के रुके हैं भाई। और भाई से मिला भाई, बड़ी खुशी हुई। और भाई क्या कहना चाहते हो बड़े भाई? बस कहना ही चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को घर पे छोड़िए। हाँ पक्का छोड़ देंगे। हाँ सही कह रहे हो। दूसरा चीज, अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो मेहनत करिए। जो भी भाई लोगों को पसंद है वो दिखाइए, लेकिन अपने बच्चे को, छोटा बच्चे को अपने साथ मत रखिए। गाड़ी का धुआं एक ऐसा धुआं है ना, किसी को लग गए तो उतरता नहीं है। ये भी ड्राइवर ही बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं ड्राइवर बनाना तो फिर अभी इसको घर पे रखिए, पढ़ाई करवाइए, पहला शिक्षा दीजिए। शिक्षा हम लोग को नहीं मिल पाया, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अपने लड़कों को दें। अगर आपको शिक्षा मिलता, पढ़ाई करते, तो आप सोचते कहीं जॉब करते, ट्रक नहीं चलाते, गाड़ी लाइन बहुत अच्छा लाइन नहीं है भाई। तो आप पहले बच्चे को पढ़ाई करवाइए, जब उम्र होगा तो वो समझदार होगा, तो उस लाइन में आना चाहेगा तो आ सकता है। बट अभी उसको घर पे रखिए, उसको खाने पीने का, खेलने का उम्र है, उसको छोड़ दीजिए, घर पे छोड़ दे। हाँ, खलासी रख लीजिए आप अपने साथ। हाँ ये सही है भाई। अभी इसको एक चक्कर के लिए घुमाने के लिए लेके आया था। हाँ। इसको और इसको घर छोड़ दूंगा, है ना भाई। भाई को सपोर्ट करिए और अगले वीडियो से बच्चा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। मैं आपको अच्छा बात बता रहा हूं। सही मानने वाली बात नहीं, आप भी बता रहे हो, कुछ लोग उन्हें भी बताइए। मैं तो उसको घुमाने के लिए लेके आया था, पहाड़ में गए थे ना, ठीक है, शिमला से आगे लूरी पड़ता है, वहाँ घुमाने के लिए लेके जा। अब इसको लेके जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, ठीक है।